नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मुसाफिर यह संजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी एक सैमसंग कंपनी का A8 मोबाइल है, उसको कैसे डिसेंबलिंग किया जाता है, उसको कैसे मोबाइल को कैसे खोला जाता है। तो चलिए समझते हैं उसके डिसेंबलिंग के बारे में। हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का A8 मोबाइल है, आप देख सकते हो। ये मोबाइल को कैसे डिसेंबलिंग किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये मोबाइल को अगर आपको डिसेंबलिंग करना है, मतलब खोलना है, तो ये मोबाइल के पीछे का जो कवर है वो नहीं निकलता और इसमें जो है वो स्क्रू भी नहीं, इधर आपको कोई दिख रहा है देखो। तो ये मोबाइल को आपको खोलने का थोड़ा तरीका अलग है। ये मोबाइल को अगर आपको डिसेंबलिंग करना है, खोलना है, तो ऊपर से ये उसका टच और डिस्प्ले है वो अलग करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका जो मदरबोर्ड है वो आप देख सकते हो। तो मैं इसको आज डिसेंबलिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। डिसेंबलिंग करने के लिए आपको ये जो उसका टच है उसको हीट दे के आपको निकालना है। तो मैं इसको हीट दूंगा। मेरे पास अभी एक स्क्रीन सेपरेटर मशीन है, जो अक्सर सब मोबाइल में जो स्क्रीन आता है, जो कॉम्बो टाइप, उसको अलग करने के लिए मशीन का यूज़ होता है। ये मशीन में आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इधर एक स्विच है ऑन ऑफ, जब हम उसको ऑन करते हैं तब इधर डिस्प्ले पे इसका जितना ये प्लेट जो है वो गर्म होती है वो आपको टेम्परेचर इधर दिखाता है देखो, और जितना आपने फिक्स किया टेम्परेचर वो भी आपको इधर दिखाता है। इधर 130 सेल्सियस तापमान आपने इधर सेट किया है देखो। आप इधर से डाउन कर सकते हो, आप इधर से अप भी कर सकते हो। ये प्लेट जितना जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये टेम्परेचर उतना ही ये बढ़ता जाएगा। और ये जो आप है वो ये पंप है, जब इसको हम ऑन करते हैं तब इसके अंदर ही ये जो है अपने आप हवा को ऐसे खींचता है देखो। तो आइए हम एक बार इसका इस्तेमाल कर।
तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हमारे पास एक सैमसंग कंपनी का A8 मोबाइल था, तो उसको कैसे डिसेबलिंग किया जाता है, उसको कैसे जो है मोबाइल को खोला जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक स्पीकर भी बदलना है तो भी आपको उसका टच या डिस्प्ले जो है वो अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे आपके पास कभी भी एक कोई मोबाइल आता है तो उसको डिसेबलिंग कर सकते हो, उसको आप ऐसे ही खोल सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव है तो प्लीज आप कमेंट लिख सकते हो, क्योंकि हम ऐसे ही कहीं मोबाइल के रिपेयरिंग सॉल्यूशन आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।